जय दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा गांधी जी के बारे में, जो कि हमारा ऑल इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो गांधी जी के बारे में, जो कि गांधी जी बहुत बड़े जो है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपिता, इन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया जाता है यहाँ से लेकर इंडिया से लेकर ब्रिटेन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक नाम कमाया, जो ये इसे पानी थे, इसी के बारे में हम क्या करना है आज विस्तार से जानकारी लेना है। क्योंकि आज आपको पता है कि इनका जो जन्म हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 1869, जबकि आपको पता है जब जन्मदिन हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन पर और 2 अक्टूबर 1904 में एक हमारे भारत के जिनका नाम सुनोगे लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर के दिन दो व्यक्ति का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904, जो कि जिनको नाम सुनोगे लाल बहादुर शास्त्री। और ये हमारे जो है जवान जय जवान और जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। और इनका जो मृत्यु हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में जो है ताशकंद समझौता के कारण जो है, ये प्रथम व्यक्ति जो ऐसे हैं जिन्हें भारत के अलावा विदेश में मृत्यु हुआ था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका विदेश में मृत्यु हुआ था। बताया जाता है कि जो ताशकंद समझौता 1965 का युद्ध हमारा भारत पाकिस्तान का प्रथम लड़ाई जो हुआ था 1965 में हुआ था, और USSR के द्वारा जो है एक मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया था ताशकंद में, उन्हीं के कारण ये जो है इनका मृत्यु हुआ था। तो आज हम बता रहे थे गांधी जी के बारे में, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को जो सरकारी छुट्टी भी रहता है। और आपको बताना चाहते हैं कि जो जन्म हुआ था इनका, स्थान कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आप लोग गुजरात, जो कि आपका गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और आपका जो है इनका माता का नाम याद रखें कि माता का नाम क्या था, तो माता का जो नाम था पुतली बाई, क्या था माता का नाम था पुतली बाई। और पुतली बाई जो है इनका माता थे, जबकि पिता का नाम याद रखिएगा करमचंद गांधी, जबकि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हम बताना चाहते हैं ये आपका जो है, जबकि मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह कर दिया गया था, उनका पत्नी का नाम जो था, 13 वर्ष की आयु में पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कस्तूरबा गांधी और पुतली बाई, क्योंकि पुतली बाई और आपका जो है कस्तूरबा, याद रखेंगे इसमें आपका जो आधा स आज में आधा था, नहीं आपका पूरा तो आपका पूरा नहीं आधा था आधा स, तो पत्नी कस्तूरबा गांधी। और हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो है इनका आत्मजीवनी, जैसे इन्होंने जो है, अब इनका मेन प्लान था क्योंकि जो है हम क्या करें, और आपको बताना चाहते हैं जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही आपका जो है लगभग, क्योंकि 2 अक्टूबर 2007 को हमने बताया था, 2 अक्टूबर 2007 को UNO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस घोषित करवाया गया, यानी किया गया अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया है। जबकि 2007 को हमने बताया था जो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था बिहार में, और जो है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में हम बता चुके थे, बिहार के कितने राज्य में, सॉरी बिहार कितने जिले में यह स्थापना किया, स्टार्ट किया गया था। जबकि जितने भी लगभग परियोजना जो हो, जिस तरह हमारा 2 अक्टूबर 2014
2 अक्टूबर 2014 को भारतीय जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आप लोग नाम सुनेंगे SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है आपका यानी स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 यानी गांधी जी के जन्मदिन पर ही इनका जो है 2014, जबकि आज ये 2020 लगभग ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ कितना साल हो गया? 6 साल। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया सुंदर भारत अभियान। तो आपका जो है हम बता रहे थे महात्मा गांधी का जन्म स्थान, माता पिता, पूरा नाम और पत्नी, और अब इनका गुरु याद रखें, क्योंकि गुरु बिना गुरु का ज्ञान नहीं आएगा। जिस तरह हमारे गुरु गुरुजी कहा करते थे कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं आएगा, जब तक ज्ञान नहीं जब तक ज्ञान गुरु नहीं जब तक ज्ञान नहीं। तो गुरु जो थे इनके राजनैतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपके गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी का शिष्य जो थे आचार्य विनोबा भावे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु एम जी रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। और ये जो है, और बहुत सारे महात्मा गांधी, अभी ये हम इनका आत्मजीवनी पढ़ रहे हैं। इन्होंने जो कहां से आपको ब्रिटेन में तो जन्म, ये भारत में तो जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो मेन मकसद था वकालत की बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने का। और जो है ये मात्र 20 वर्ष की आयु में 1889 में ब्रिटेन जाते हैं, और ये ब्रिटेन जाते हैं वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए। और वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बाद लगभग 2 से 3 साल के बाद बताया था 92 में लगभग 91 लास्ट जो है 91 में क्या आते हैं भारत, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद कहां आते हैं भारत। और ये तलाशते रहते हैं कि हमें इस तरह का जो है किसी प्रकार का केस मिले और उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था बहुत बड़े घराने में हुआ था, जो कि और ये बताया जाता है जैसा देश वैसा भेष करते थे। और ये जब ब्रिटेन जाते थे तो कोट पैंट पहन कर जाते थे, जब भारत आते थे तो ये हमारा जो यही देखना है कि 1891 में ब्रिटेन से पढ़कर आए, लगभग बताया था 15-16 महीना भारत में रहे, और इनको एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी जो कि गुजरात का ही था, और ये गुजरात का ही था लेकिन रहते थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। और आपको पता है दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में पड़ता है, इनको पता है कमेंट करेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ये सबसे पहले अब्दुल्ला नाम व्यापारी इनको निमंत्रण देता है। और ये 1893 में चले जाते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। कि ये जो है अब आपसे आएगा कि महात्मा गांधी जब अभी भारत नहीं, ये 1893 में, क्योंकि ये अभी भारत आगमन नहीं, भारत इनका आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, क्योंकि ये आपका लगभग 1893 और इधर आपका लगभग जो है 21 से 22 वर्ष लगभग कहाँ बिताया महात्मा गांधी? ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने बिताया। अब उनके बाद ये उनका ध्यान टूटता है कि हमारा भारत क्या है, गुलाम है। और इस गुलाम, ये 1915 में जब आते हैं तो भारत आने के बाद ये सबसे पहले प्रथम बार जब 9 जनवरी 1915 का आते हैं तो इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। यदि जन्म हुआ तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो प्रवासी दिवस, जब इनका मृत्यु होता है तो 30 जनवरी 1948 को, तो इस दिन मनाया जाता है क्या? शहीद दिवस। जन्मदिन तो छुट्टी, प्रवासी दिवस आए तो प्रवासी दिवस,
और जन्म हुआ ये मृत्यु हुआ, तो इनको इनको बताना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे इनका जो है गोली इनको मार दिए थे 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में। और आपको जो है नाथूराम गोडसे एक बुक लिखा गया था, और आप लोग बताया आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी को गोली सही के लिए मारा गया था या गलत है जो मारा गया था, आपके अनुसार क्या सही था या गलत। तो महात्मा गांधी को जो गोली मारे थे नाथूराम गोडसे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था मैंने गांधी को क्यों गोली मारी, और वो पुस्तक मतलब मारने से पहले वो पुस्तक लिख दिए थे मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। आप लोग देख लीजिएगा गूगल या विकिपीडिया पर जाकर, इनका एक बुक है मैंने गांधी को क्यों गोली मारी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था, राष्ट्रपिता, जबकि आपको पता है राष्ट्रपिता कहा था कौन, सुभाष चंद्र, पिता कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बताया था। जबकि बापू, क्वेश्चन आता है राष्ट्र महात्मा गांधी को बापू किसने बोला था, क्लियर गलत है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था, राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस। जबकि आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये, जबकि महात्मा गांधी जो थे सुभाष चंद्र बोस का विरोध थे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जो थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर उन्हें बुलाया था। जबकि बापू कहकर किसने बुलाया था, तो बापू कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। जबकि आपको पता है भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद जो है, और ये कहे थे कौन, ये भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा ये बताया करते थे, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया कि ये क्या है, भिखारियों का राजा है कौन, महात्मा गांधी। और जो महात्मा कहकर किसने बुलाया था, तो महात्मा कहकर बुलाया थे कौन, ये हमारे जो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पता है भारत के गुरुदेव नाथ टैगोर। तो ये आपका कुछ फैक्ट है, ये राष्ट्रपिता किसने बुलाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, बापू किसने बुलाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भिखारियों का राजा किसने कहा था, मदन मोहन मालवीय, महात्मा का किसने बुलाया था, रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये हम थे जब अब्दुल्ला व्यापारी जो है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया जाता है, तो अब हम चलते हैं। तो महात्मा गांधी का जो है चार पुत्र थे, आपको यहाँ पुत्र का इम्पोर्टेंट ये फैक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इनका जो चार पुत्र जो थे, नाम बता देते हैं लेकिन जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो चार लिख देते हैं, रामदास, दूसरा देवदास, हीरालाल और मणिलाल, ये जो इनका चार पुत्र था, ये ऐसे पुत्र कहा करते थे कि आज के डेट में वर्तमान में देखा जाए कि सब जो है पिता, यानी जो बाप होता है नहीं, फादर जो होता है कुछ ना कुछ बेटा के लिए कर जाता है, लेकिन इनका जो है रामदास, देवदास, मणिलाल, हीरालाल, महात्मा गांधी, इनके लिए कुछ कर नहीं गए। बहुत बार बताया जाता है हमारे महात्मा गांधी अपने जो है चार बेटे के लिए कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी जो आज तो नोटों पर छपाई गए, यही क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का नोटों पर फोटो कब से छपना शुरुआत हुआ, जिनको पता है कमेंट करेंगे, क्योंकि जो है जब हमारा आरबीआई का स्थापना हुआ 1935 में हुआ था, उस समय जो नोट का छपाई होता था उस समय इनका फोटो नहीं अंकित था। महात्मा गांधी का जो है नोटों पर छपना का शुरुआत हुआ 1996 से, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1996 महात्मा गांधी का जो है फोटो, ये नोट पर फोटो छपना क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी से अब कहां जा चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका।
तो हाँ इनका देखना है, इनका जो कहानी आपको पता है कि इन्होंने महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाते समय डरबन से प्रिटोरिया, डरबन है या कहेंगे डरबर मिलता है, डरबर या डरबर, तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था और इन्होंने यात्रा कर रहा था और बहुत सारे जो है तीन चार लोग आते हैं। आपको बताना चाहते हैं महात्मा गांधी जो थे इनका जो रंग था काला था, ठीक है। और यहाँ जो है महात्मा गांधी जो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और एक बीच में जगह पड़ता है जो कि महात्मा गांधी को सरेआम बेइज्जती करकर ट्रेन से उतारा गया था धक्का मारकर, और वो जगह का नाम है पीटर मरित्सबर्ग। बहुत बार क्वेश्चन आता है पीटर मरित्सबर्ग या कहेंगे मिलता है पीटर मारित्सबर्ग, इसी चीज को मिलता है मारित्सबर्ग, ये जो है पीटर मारित्सबर्ग। हम बताना चाहते हैं डरबन से प्रिटोरिया के बीच में दक्षिण अफ्रीका में जगह पड़ता है पीटर मरित्सबर्ग या पीटर मारित्सबर्ग, यहीं पर जो इनको धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया था। और इन्होंने बताया था जो है, बताया जाता है कि जो है अपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, उनको जो है इनका चमड़ी जो क्या था काले रंग का था, और इस बात का दुख था अंग्रेज, क्योंकि जितने भी अंग्रेज होते हैं वो आपका जो व्हाइट कलर का होता है, उन्होंने कहा कि ये काले लोग कहाँ से ट्रेन में आ गया, इनको धक्के मारकर क्या करता उतार देता है। लेकिन इस बात का दुख कि उनको जो है, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर तो बड़ा समस्या है रंग भेद नीति, तो 1893 में जाते हैं और 1894 में एक नाटल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नाटल कांग्रेस की आता है, नाटल कांग्रेस की स्थापना कब किया था तो 1894 में किया। अब 1903 में एक पत्रिका जाहिर करते हैं इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका या कहिए चाहे अखबार कहिए, ये जारी करते हैं और इसमें जो है चार शब्द, ये चार भाषा पर होता है, गुजरात, उसके बाद हिंदी और आपका तमिल और आपका उसके बाद इंग्लिश, ये चार भाषा का प्रयोग होते हैं, ये एक पत्रिका जारी करते हैं। और 1906 में महात्मा गांधी ने प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। याद रखेंगे कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया और कहाँ किया, अगर पूछेगा कब किया तो 1906 में, जबकि महात्मा गांधी भारत में पूछेगा कि ये कब किया गया तो भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1917 में किया गया था जो कि चंपारण सत्याग्रह। 1906 11 साल बैक है, ये जो 1917 में भी अभी महात्मा गांधी अभी लगभग 9 साल के बाद, अब इनका जो है पूरी ये रंगभेद नीति जो है पूरी तरह से इसको खत्म कर और वहां का जो है ना को ये आपका दक्षिण अफ्रीका का ब्रिटेन सरकार, वहां का जो है अंग्रेज सरकार इसे जो है सर ए हिंद या सर ए ताज का उपाधि देता है। और ये उन्होंने लगभग बताया कि 21 से 22 साल क्या करते हैं दक्षिण अफ्रीका बिताने के बाद, और उनका जो पूरा नाम जो है रोशन जो है आपका पूरे दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया नाम कमाया। अब्दुल्ला नामक जो इनका दोस्त था उनको पूरी तरह प्रशंसा किया गया और पूरे लगभग दक्षिण अफ्रीका जिस तरह आज हम लोग महात्मा गांधी को पूजते हैं उन्हीं तरह वो माला वगैरह सब कुछ उनका स्वागत करता है। जबकि अब भारत जब आते हैं तो इनको सर हिंद का उपाधि मिला हुआ है जो कि वहां का जो है अंग्रेज सरकार दिया है। जब भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 में, तो इनका आने के बाद भारत में अब इनका जो है तांडव देखेंगे, भारत में तांडव इनका किस तरह शुरुआत होता है। अब हम यहाँ से चलेंगे 1915 से, क्योंकि 1915 में आने के बाद इसी 15 में आते हैं तो 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं जो कि बिहार में आते हैं चंपारण जिले में, और ये 1918 में मिल मजदूर का हड़ताल भी करते हैं। उसके बाद 1919 में क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन, जबकि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जबकि 1921 में, और ये 1922 में
22 में असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ता है, इसी कारण जो चोरा चोरी कांड नहीं पर हुआ था। और 1921 में गांधी जी को अंध नंग फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। ये हम बाकी सब कहानी जो कहा देखेंगे पार्ट सेकंड में, क्योंकि महात्मा गांधी का जो पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट है, हम इसको सेकंड पार्ट